हवलदार लालक जान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बेबाक लीडर और बहादुर फर्जंद उभर के सामने आए। इन्होंने वतन की आन और बका की खातिर ऐसे दिलेराना इकदामात किए जिनकी मिसाल शाज़ो नादर ही मिलती है। बहैसियत एक जूनियर लीडर इन्होंने अपनी जुरतमंदाना इकदामात की बदौलत दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुँचाया और इसके मुतअद्दिद हमले पसपा कर दिए। अपने फ़राइज़ की अंजामदही में इन्होंने अपने तन मन और धन की बाजी लगा दी। मई 1999 में जब ये मालूम हुआ कि दुश्मन एक बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है तो हवलदार लालक जान ने जो इस वक्त कंपनी हेडक्वार्टर्स में फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे अगले मोर्चों पर जाने का इसरार किया और एक इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार पहाड़ी पर दुश्मन से नबरदाजमा होने के लिए कमर बांध ली। जून के आखिरी हफ्ते में एक रात दुश्मन की एक बटालियन की नफरी ने हवलदार लालक जान की चौकी पर भरपूर हमला किया। हमले के दौरान हवलदार लालक जान अपनी जान से बेपरवाह होकर मुख्तलिफ पोजीशन से दुश्मन पर फायर गिराते रहे और हर मोर्चे में जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। रात भर हमला जारी रहा। लालक जान और इनके साथियों ने दुश्मन के तमाम इरादों को नाकाम बना दिया और सुबह तक दुश्मन लाशों के अंबार छोड़कर पसपा हो गए। दूसरी रात दुश्मन ने एक बार फिर मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया लेकिन लालक जान ने इस रात भी बेबाकी और जुरतमंदी का भरपूर मुजाहरा करते हुए इस हमले को भी नाकाम बना दिया और दुश्मन को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। 7 जुलाई को दुश्मन ने हवलदार लालक जान की पोस्ट पर तोपखाने का भरपूर फायर किया। सारा दिन गोलों की बारिश होती रही और रात को एक बार फिर इनकी पोस्ट पर 3 अतराफ से हमला किया गया। इस हमले के दौरान दुश्मन की गोलाबारी से हवलदार लालक जान शदीद जख्मी हो गए लेकिन कंपनी के इसरार के बावजूद अपनी पोस्ट पर जख्मी हालत में भी डटे रहे और दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। इन्होंने दुश्मन के इस हमले को भी नाकाम बना दिया लेकिन इसके साथ ही जख्मों की दाब ना लाते हुए अपनी पोस्ट पर ही शहीद हो गए। हवलदार लालक जान के इनके दिलेराना इकदामात बेबाकी हौसलामंदी और जज्बाए शहादत के एतराफ़ में इन्हें निशान हैदर का एहसास दिया गया।